बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी बनाऊंगी सरसों का सूखा साग और चने की दाल। तो सबसे पहले मैंने ऐड किया है कुकिंग ऑयल, प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट। इन्हें मैंने ब्राउन कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी कुछ गरम मसाले। तो अब इसे हम अच्छे से थोड़ा सा घुमा लेंगे। अब इसमें ऐड कर रही हूँ टमाटर और कुछ मिर्चें। एक टमाटर मैंने एक लिया था और कुछ हरी मिर्च थी तो मैंने इसे कट करके इसे भी ऐड कर दिया है। और अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच लाल मिर्च, 1/4 चम्मच हल्दी और 2 चम्मच मैं इसमें ऐड कर दूंगी नमक के। और अब इसे अच्छे हम सही से मिक्स करेंगे। और अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दूंगी ताकि मसाला जले ना और चिपके भी नहीं। तो अब मैं इसे सही से इस तरह से घुमाऊंगी। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चने की दाल, और चने की दाल को मैंने ऐड कर दिया। अब इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दूंगी क्योंकि चने की दाल थोड़ी सी कच्ची रह गई थी, तो इसलिए थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया। अब यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ सरसों का सूखा साग, और इस तरह से अब मिक्स कर लूँगी और 5 से 10 मिनट तक इसे इस तरह से चम्मच को हिलाती रहूँगी और भून लूँगी ताकि चने की दाल और सरसों की जो सूखा साग इसकी जो स्मेल है वो थोड़ी ख़त्म हो जाए और ये अच्छे से भून जाए। और इस तरह से मैं 5 से 10 मिनट तक इस तरह से पका लूँगी। अब 5 से 10 मिनट तक पका लिया मैंने, और इस मेरी जो सालन है वो भी बनकर तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।